भाइयों बहनों, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आशा करते हैं हमारा चैनल आप सब उनको बहुतायत की आशीष दे रहा है परमेश्वर में, और आप सब हमारा चैनल बहुतायत 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 से देख रहे हैं सब्सक्राइब करके। आज का जो मैसेज है, ये एक ऐसे शख्स के बारे में है जिन्होंने प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की शुरुआत की। जर्मनी से लेकर सारे यूरोप और फिर सारे विश्व में ये प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन फैल गया, और बहुत से मसीही विश्वासी लोग प्रभु में और भी बहुतायत की आशीष को प्राप्त किए और पाप के दासत्व से निकले। वो शख्स का नाम है मार्टिन लूथर। हम सभी इस नाम से भलीभांति परिचित हैं, तो आइए उनके जीवन के कुछ पहलुओं का हम लोग देखेंगे कि कैसे प्रभु ने उनका मार्गदर्शन किया, कैसे प्रभु ने उनका अगुवाई किया, कैसे प्रभु ने उनको चुना इस कार्य के लिए। हम सब पापी हैं, कोई भी काबिल नहीं है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उनकी दया हमारे कर्मों से बढ़कर है। प्रभु ने इस चीज़ को करके दिखाया मार्टिन लूथर के जीवन से, और उनको चुना ये प्रकट करने के लिए सारे मानव जाति के ऊपर कि हम अनुग्रह के द्वारा चुने गए हैं। इन द क्राइस्ट अलोन वी हैव इटर्नल लाइफ बाय फेथ। तो हम लोग देखेंगे मार्टिन लूथर के जीवनी। तो मार्टिन लूथर का जन्म 10 नवंबर 1483 को इसलेवन काउंटी ऑफ मैंसफील्ड अंडर होली रोमन एम्पायर जर्मनी में हुआ था, और उनके पिता का नाम हंस लूथर था और उनकी माता जी का नाम मार्गरेट लूथर था। उनके जन्म के एक दिन बाद सेंट मार्टिन का फीस्ट डे था, और इसी दिन उनका बैप्टिज्म हुआ था, इसलिए उनका नाम उनके माता पिता ने मार्टिन लूथर रखा। उनके पिता एक लीज होल्डर थे कॉपर माइंस एंड स्मेल्टर्स में, और वहाँ जो लोकल काउंसलर्स की जो बॉडी थी उसमें जो 4 सिटीजन रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे उनमें से वो एक थे। उसके बाद आगे चलकर 1492 में वो लोकल काउंसलर बने गए, और उनकी जो माता जी थी वो बहुत ही हार्ड वर्किंग थी। मार्टिन के पिताजी का सपना उनको वकील बनाने का था, और इसीलिए उन्होंने अपने बेटे का दाखिला लैटिन स्कूल में कराया मैंसफील्ड में, और उसके बाद मैग्डेबर्ग में 1497 में, 1497 में, और फिर एसेनेक में 1498 में। लेकिन जो मार्टिन लूथर थे उनका ध्यान परमेश्वर की ओर था। परमेश्वर उन्हें अपनी ओर मोड़ा, अपनी ओर बुलाया। कैसे, ये हम लोग देखते हैं। जब वो 1501 ईस्वी में 17 वर्ष के हो गए तब वो एयरफर्ट यूनिवर्सिटी में दाखिला लिए, और उसके बाद 1505 ईस्वी में उन्होंने अपनी मास्टर डिग्री पूरी की। परंतु 1505 ईस्वी में 2 जुलाई को वो एक तूफान में फंस गए, और उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे प्रभु मुझे बचा, क्योंकि वो डरते थे स्वर्ग और नरक की तमाम बातों को सोचकर। वो सोचते थे कि भला आदमी स्वर्ग जाता है, बुरा आदमी को नरक मिलता है, वो अपने आप को उस लायक नहीं समझते थे। तो उन्होंने कहा मैं अपना जीवन आपको सौंप दूंगा, और वो बच गए। उसके बाद उन्होंने अपने माता पिता को अपनी इच्छा बताई, और उन्होंने लॉ ड्रॉप कर दिया, और उसके बाद वो संत अगस्टिन मोनेस्ट्री में दाखिला लिए 17 जुलाई 1505 में एयरफोर्ट में, और 3 अप्रैल 1507 में एयरफोर्ट कैथेड्रल में उनको बिशप ने बुलाया, और 1508 में विटनबर्ग के एक बिशप ने उनको थियोलॉजी टीचिंग का मौका दिया। 9 मार्च 1508 को उन्होंने बाइबलिकल स्टडीज़ में बैचलर डिग्री प्राप्त किया। 19 अक्टूबर 1512 को उन्हें डॉक्टर ऑफ थियोलॉजी से नवाजा गया यूनिवर्सिटी ऑफ विटनबर्ग में। 1517 में उन्होंने थेसिस दिए, और हम लोग देखते हैं कि 95 थेसिस जो उन्होंने उस समय के पोप को दिया था, और जो गलत रीतियां, गलत रिवाज जो उस समय कैथोलिक चर्चेस में चलाए जा रहे थे उसके खिलाफ उन्होंने लूथर लार्ज कैटेकिज्म दिया, लूथर स्मॉल कैटेकिज्म दिया, ऑन द फ्रीडम ऑफ क्रिश्चियन, ऑन द बॉन्डेज ऑफ द विल, इस तरह की तमाम बातों को उन्होंने प्रकट किया। उनका विवाह कैथरीन वैन बोरा नाम की युवती से हुआ जो पहले एक नन हुआ करती थी। जब मार्टिन लूथर जी का विवाह हुआ था तब वो 41 साल के थे और उनकी पत्नी 26 साल की थी। उनके जो मुख्य आइडियाज थे वो 2 चीज़ों पे बेस्ड थे, थियोलॉजी ऑफ द क्रॉस और 2 किंगडम्स डॉक्ट्राइन। वो स्वर्ग और नरक में विश्वास रखने वाले थे, और यीशु मसीह ने क्रूस पे हमारे सारे पापों को क्षमा कर दिया है और हम बस विश्वास से उद्धार पाते हैं, इस बात पे वो भरोसा रखते थे। रोमियो की पुस्तक 1:17 उनके जीवन में बहुत गहरा स्थान रखता था कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा, और उसी प्रकार रोमियो 3:18 कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह में सिर्फ विश्वास रखने के द्वारा ही हम उद्धार पाते हैं, व्यवस्था के कर्मों से नहीं। तो जब वो पादरी बन गए एयरफोर्ट कैथलिक चर्च में, बिशप बन गए, तो प्रतिदिन वो
पाप क्षमा के लिए उपवास प्रार्थना करते थे, परंतु उनके मन में शांति नहीं थी, सवाल थे। उनको ये नहीं लगता था कि मैं स्वर्ग जाऊंगा इन कर्मों से। उनको विश्वास नहीं था इन सब बातों पर, क्योंकि ये परमेश्वर की योजना थी उनको एक अगुवाईकर्ता बनाने की। परमेश्वर उनका नेतृत्व कर रहे थे, एक सुधारक बनाने की, और परमेश्वर ने उनको चुना कि उस दौर में जब पोप जो कहते थे या धार्मिक याचक जो कहते थे, उस देश के राजा और लोग सभी वही मानते थे, क्योंकि उसमें बाइबल लैटिन भाषाओं में होती हुआ करती थी और बाइबल का उतना अनुवाद नहीं था। लोग दान देकर पश्चाताप और दान देकर चर्च बनाते थे, इसी के द्वारा तमाम रीति रिवाज के द्वारा उद्धार और प्रभुभोज ग्रहण करना, उपवास रखना, प्रार्थना करना, इनके द्वारा उद्धार मानते थे और तमाम रीति रिवाज थे। परंतु लूथर ने गहन अध्ययन किया परमेश्वर की अगुवाई में और उन्होंने 95 थेसिस सवाल पोप से पूछे और पोप ने उन्हें इस सवाल को हटाने को कहा, परंतु उन्होंने इस सवाल को विटनबर्ग चर्च की दीवार में छाप दिया। उनके दोस्तों ने उनका साथ दिया और धीरे धीरे करके सारे यूरोप में उनकी बातें फैल गई और पोप ने उन्हें माफ़ी मांगने को भी कहा, लेकिन उन्होंने नहीं मांगा। फिर उन्हें बिशप की सदस्य पद से निकाल दिया गया, हटा दिया गया, और जो पाप विमोचना पत्र जो था, रीति रिवाज जो था कैथोलिक चर्च का, उसका विरोध किया था लूथर ने। और हम लोग देखते हैं कि मार्टिन लूथर ने 1522 में न्यू टेस्टामेंट दिया और 1534 में ओल्ड टेस्टामेंट दिया। इसी साल उन्होंने होल बाइबल, पुरानी व्यवस्था और नई व्यवस्था को दिया। और इसके पहले मैंटिलिन बाइबल हुआ करती थी 1456 ईस्वी में जो थी, और कोबरगर बाइबल जो थी जो 1484 ईस्वी में हुई थी। तो हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे मार्टिन लूथर को चुना, एक साधारण व्यक्ति को जो हम जैसा है, एक साधारण व्यक्ति था, परंतु परमेश्वर ने उसे चुना। बुलाए हुए तो बहुत है, चुने हुए थोड़े हैं। अपने लोगों को, अपनी भेड़ों को उस चराई में, चरवाहा की चराई में, उस झुंड में जो अनंत जीवन को जाती है, क्रूस मृत्यु से पुनरुत्थान तक, अपने कर्मों के बल पर नहीं परंतु अनुग्रह के बल पर प्रभु ने नेतृत्व किया, मार्टिन लूथर जी का अगुवाई किया। और आज हम लोग बहुत आयत की आशीष पाते हैं लूथरन कलीसिया का सदस्य होकर, और सारे जगत में से जितने भी लूथरन कलीसिया का सदस्य हैं, और लूथर के बाद बहुत से लोग जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन का हिस्सा बने और प्रोटेस्टेंट कलीसिया खड़ी की, बहुत आयत की आशीष पाए। और हम लोग देखते हैं कि मार्टिन लूथर जी, जिन्होंने प्रभु की सेवा 62 साल तक की, वो 18 फरवरी 1546 को, जहां उनका जन्म हुआ था, एसलेबन काउंटी ऑफ मैंसफील्ड में ही उनका देहांत हुआ। और आखिरी 12-13 सालों में बहुत बीमार रहते थे वो, लोगों से कम मिला करते थे, परंतु प्रभु के सेवा में, प्रभु के बल के द्वारा, आत्मिक अगुवाई में, जितना प्रभु में उनसे हो पाता था वो करते थे। तो हम आशा करते हैं कि आप सबों को ये मैसेज बहुत ही अच्छा लगा। तो हम सब प्रभु के अगुवाई के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, पाप दासत्व से छुटकारा पाकर, उसके आत्मिक अगुवाई में स्वतंत्र होकर अनंत जीवन की ओर बढ़ें, क्रूस मृत्यु से पुनरुत्थान की ओर, अपने कर्मों के बल पर नहीं परंतु उसके अपार अनुग्रह के द्वारा, जो हम बुला लिए गए, चुन लिए गए, हम पर अनंत जीवन की मोहर दी गई है, प्रभु हमारा नेतृत्व करेंगे, हमारे आगे चलेंगे, हमें आगे बढ़ाएंगे, कि हम जैसे उस पतरस के समान, प्रभु ने जो कुछ भी ना पकड़ पाया था मछलियों को पकड़ा, हम जीवित मनुष्यों को पकड़ेंगे, प्रभु हमें वो पत्थर ठहराएगा, हम कलीसिया बनेंगे, जैसा प्रभु ने मार्टिन लूथर के द्वारा लूथरन कलीसिया बनाई, वैसे प्रभु हम सभों को स्वर्गीय कलीसिया का अपनी संतान बनाएंगे, जीवित पत्थर बनाएंगे, हमारा नाम स्वर्ग राज्य में लिखेंगे, जीवन की पुस्तक में। तो हर एक सुनने वाला इस मैसेज के द्वारा बहुतायत की आशीष पाए परिवार संग, और मार्टिन लूथर के जीवन में परमेश्वर के द्वारा किए गए अद्भुत कार्य को देखकर अपने आप को भी परमेश्वर के हाथों में सौंप दे, जैसा वचन कहता है, अपने शरीरों को जीवित पवित्र और भावता और बलिदान होने के लिए परमेश्वर पिता के हाथों में सौंप दो, यही हमारी आत्मिक सेवा है। आमीन।